यूपी में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं, साथ ही अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपनी पार्टी को किसी से पीछे नहीं रखना चाहती है और अपने एजेंडों पर तेजी से काम कर रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी जनता के लिए कई वादे किए हैं, जिस पर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ मायावती ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं, जनता से लुभावने वादे कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी कई बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने के बाद 21 अक्टूबर को एक और बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 12वीं पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। प्रियंका गांधी के ऐलान पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, कांग्रेस ने चुनावी छलावे के तहत भाजपा और सपा की तरह ही अनेकों प्रकार के लोक लुभावन वादे आदि करने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत इस पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन व स्कूटी देने की बात कही है, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि इस पर विश्वास कौन व कैसे करे। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कांग्रेस पर सवाल करते हुए पूछा कि कांग्रेस की राजस्थान व पंजाब में सरकार है तो क्या इन्होंने ऐसा कुछ वहां करके दिखाया है जो लोग उनकी बातों पर यकीन कर लें? नहीं किया है तो फिर लोग उन पर विश्वास कैसे करें? यही वजह है कि कांग्रेस व भाजपा आदि पार्टियों के दावों और वादों के प्रति जनविश्वास की घोर कमी है। मायावती ने साफ कहा कि कांग्रेस जनता के बीच विश्वास नहीं बना पाई। मायावती ने कांग्रेस के ऐलान पर तो निशाना साधा ही, साथ ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया। मायावती ने कहा कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अच्छे दिन का सपना दिखाकर लोगों पर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का पहाड़ तोड़ने का खामियाजा तो भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।